राधे राधे, कैसे हो आप सब। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को हैप्पी दिवाली। ऑलमोस्ट सभी को पता होगा कि दिवाली पे एक आवर के लिए ट्रेडिंग ओपन की जाती है, जिसे बोलते हैं मुहूर्त ट्रेडिंग। साल में सिर्फ एक बार ऐसा होता है कि होलीडे पे मार्केट ओपन होती है। इस बार 12 नवंबर मतलब संडे को इवनिंग में 6:15 से 7:15 ट्रेडिंग ओपन रहेगी। अब इस टाइम क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वो समझना काफी जरूरी है। बहुत सारे लोगों के अपने अपने व्यू है कि क्या करना चाहिए, बट किसी को यह नहीं पता कि मुहूर्त ट्रेडिंग में क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो चलो सब समझते हैं। आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लो। देखिए, मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन दो तरह के लोग होते हैं। फर्स्ट टाइप पीपल होते हैं जो ये सोचते हैं कि हमें उस दिन बाइंग करनी चाहिए, कुछ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि दिवाली का त्यौहार है, नई नई चीजें लोग अपने घर में लाना शुभ मानते हैं। वैसे ही लोग उस दिन कुछ स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। एंड सेकंड टाइप के लोग होते हैं जिनका यह मानना है कि मुहूर्त ट्रेडिंग पे हमें कुछ इन्वेस्टमेंट को सेल करके प्रॉफिट बुक करके लक्ष्मी घर में लानी चाहिए। मतलब उनका मानना है कि लक्ष्मी को घर लेके आना है उस दिन, तो वो प्रॉफिट बुकिंग करके पैसा लाते हैं। दोनों तरह के लोगों का व्यू जो है वो अपनी अपनी जगह सही है, बट अगर दोनों किया जाए तो और भी अच्छा होगा ना। मैं दोनों करता हूं। मैं दिवाली मुहूर्त वाले दिन कुछ स्टॉक्स में बाइंग करता हूं और कुछ स्टॉक्स जो मेरे पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है एंड प्रॉफिट में चल रहे हैं उनमें प्रॉफिट बुकिंग कर लेता हूं, जिससे इन्वेस्टमेंट भी हो गई और लक्ष्मी भी घर आ गई है। अब कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है और कितना प्रॉफिट बुक करना है वो तो सब पे अलग डिपेंड करता है। कितनी कैपेसिटी है आपकी, कितने पास फंड है आपके पास। कोई 1000 की इन्वेस्टमेंट करता है तो कोई 1,00,000 या उससे ऊपर ही करता है। ये सबका अलग होता है। ये तो ऑलमोस्ट सबको पता है कि हमें क्या क्या करना होता है। अब बात करते हैं जो किसी को नहीं पता कि उस दिन हमें क्या नहीं करना है। देखिए, अगर हम लास्ट 10 साल की मुहूर्त ट्रेडिंग का ट्रेंड चेक करें तो 9 बार मुहूर्त वाले दिन मार्केट प्लस में बंद हुई थी और 1 बार 2017 में नेगेटिव में बंद हुई है। कोशिश करना कि उस दिन कोई भी रिस्की ट्रेड मत लेना, क्योंकि उस दिन अगर आपको लॉस हो गया ना तो आपका मूड खराब हो जाएगा, और दिवाली वाले दिन अगर आपका माइंड में लॉस हुआ तो आप फैमिली के साथ त्योहार को अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर पाओगे। ये बेसिकली जो लोग इंटरटेक करते हैं उनके लिए बताया जा रहा है। उन्हें पोजीशन को सेम डे में कैंसिल करनी पड़ती है। अब अगर उन्हें कोई पोजीशन ली है और उसमें उन्हें लॉस हो गया है तो वो उसको होल्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो तो मार्जिन मनी पे गेम खेल रहे होते हैं, तो उन्हें ना चाहते हुए भी लॉस बुक करके वहां से निकलना पड़ता है। तो प्लीज उस एक आवर में ये सब मत करना। कुछ ना समझ में आए तो कोई बात नहीं है, आराम से फैमिली के साथ बैठकर टाइम स्पेंड कर लो। जो लोग स्विंग और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं वो लोग भी उस दिन कोई लो साइड ट्रेड मत करना। किसी ट्रेड में या किसी स्टॉक में एंट्री ले रहे हो तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए कि उसे हम लेकर रख लेंगे कुछ टाइम के लिए, ना कि हम सेम डे में प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। आई होप आपको क्या नहीं करना है वो क्लियर हो गया होगा। उस दिन कोई स्पेशल स्ट्रेटजी लगाने का ट्राई भी मत करना। दिवाली का त्यौहार है, एक आवर में ऐसा कुछ मत करना जिससे आपको लॉस बुक करना पड़े या आपका मूड खराब हो जाए। खुशी खुशी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। वंस अगेन हैप्पी दिवाली, खुश रहिए, फैमिली के साथ टाइम एंजॉय कीजिए। करेंगे आपसे बात नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।